हेलो स्टूडेंट, तो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको सबसेट पढ़ाया, सुपर सेट पढ़ाया और प्रॉपर सेट पढ़ाया। तो प्रॉपर सेट, ये सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अभी आज मैं आपके सामने यूनिवर्सल सेट को लेकर आया हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि मान लीजिए कि सेट हैं आपके ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी और सी ये सेट हैं, ठीक है, ये सेट है मान लीजिए, और ये किसी दूसरे सेट के सबसेट हुए हैं, ठीक है। तो वो जो दूसरा सेट है आपका, वो आपका सुपर सेट होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, या मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूं कि मान लीजिए एग्जांपल कि एक सेट है आपका, ए वन एंड टू, बी है आपका थ्री फोर, एंड सी सेट है आपका ठीक है। और ये जो सेट हैं, ये एक्चुअली में किसी एक दूसरे सेट के सबसेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब, वो दूसरा सेट मान लीजिए कुछ भी मैं लेट कर ले रहा हूँ, यू ठीक है। तो वन से लेकर सेवन तक के ये सारे के सारे हमारा हमारे सेट हैं, ठीक है। इसके ए बी और सी ये क्या है, सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें सारे के सारे ये सबसेट आते होंगे, सारे के सारे सभी सबसेट आ जाए, वही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो ये कितने टाइप से होता है आपका, ये फोर टाइप से होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल, और फोर्थ है आपका लेफ्ट हाफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है, इसका एग्जांपल देके मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इंटरवल मैं की बात करता हूँ क्लोज्ड इंटरवल में, मान लीजिए ये आपके दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये हो गया, हम लोग इस तरीके से इसको कवर्ड करके रखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, मैं डिफाइन कर दूं, क्या मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में जो रियल नंबर लिए जाएंगे, वो मैंने लेट कर लिया कि वो ये एक्स एक्स जो है होंगे, बिलोंग क्या करता होंगे? है आपका रियल नंबर से, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी ए से आपकी बड़ी होगी या इक्वल होगी, और बी से आपकी ये क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी। इसका मतलब ये फिर हो इसके गया। बाद ओपन इंटरवल की तो ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोटेड करते हैं, ये दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक्स हमारा बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, मतलब ए और बी के बीच में आने वाले जो भी नंबर्स हैं वो एक्स हैं और वो क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब दैट इज, एक्स की जो वैल्यू है ए से बड़ी हो सकती है, बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर देन, और एक्स की जो वैल्यू है वो बी से क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का मतलब हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि राइट साइड का आधा इंटरवल आपका ओपन होगा, है ना। तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो राइट का मतलब अभी लेफ्ट वाला हमारा क्लोज होगा, ठीक है, और राइट वाला आपका क्या होगा, ओपन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यूज़ हैं, इनके एलिमेंट्स जो इसके बीच में आएंगे,
वो क्या होंगे, वो तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन लेकिन होगा क्या इसमें कि x की जो वैल्यू है ठीक है वो आपकी a से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू भी होगी, लेकिन b से आपकी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ लेस देन होगी। ठीक, ये याद करने की ज़रूरत है आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड का, बाएं तरफ का, ठीक है। ये इसमें लेफ्ट साइड का जो इंटरवल होगा वो ओपन होगा, ये आपके इंटरवल हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड का इंटरवल आपका ओपन रहेगा, ठीक है, और राइट साइड का आपका क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। दैट इज़ इसका मतलब क्या हो गया कि x की जो वैल्यू है a से ग्रेटर देन होगी, ठीक है, लेकिन b से लेस देन तो होगी लेकिन इक्वल भी होगी। तो ये हो गए हमारे, ये हो गए हमारे टाइप इंटरवल एज सबसेट ऑफ r रियल नंबर के, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपके इंटरवल्स हैं इन इंटरवल्स को हम लोग रियल लाइन में कैसे डिनोटेट करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम लोग क्लोज्ड इंटरवल की, तो क्लोज्ड इंटरवल को अगर देखा जाए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन में, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और ये लाइन डार्क। उसके बाद बात करें हम लोग ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल कैसे डिनोटेड करेंगे, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग राइट हाफ ओपन इंटरवल। एक चीज याद रखिएगा, क्लोज्ड का जो साइन होता है वो आपका ऐसा होगा, ठीक है, और जो ओपन का साइन होता है ऑन रियल लाइन पे, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है।